हाय फैमिली, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। हर बार की तरह बता दूं कि मेरा नाम है विहान शर्मा और आप सभी का वेलकम अपने भाई के चैनल पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा ब्लड डोनेट करने के बेनिफिट्स और ब्लड डोनेट किसे करना चाहिए और किसे नहीं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हर बार की तरह बता दूं कि अगर चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो ये बताओ कि ब्लड डोनेट कौन कौन करता है। अगर आपका जवाब ना है तो आप ब्लड डोनेट क्यों नहीं करते। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बाद आपकी ब्लड डोनेट को लेकर जो सोच है वो बिल्कुल बदल जाएगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खून तो डोनेट करना चाहते हैं लेकिन करने से डरते हैं, बिकॉज उनके अंदर डर बना रहता है कि ये क्या है, ये कैसे होगा, और ब्लड डोनेट करने से हमारी बॉडी का सारा खून निकल जाएगा और हमें एड्स जैसी बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों, ये सब जो बातें आती रहती हैं लोगों के दिमाग में ब्लड डोनेट को लेकर, अगर उनको ब्लड डोनेट के बेनिफिट्स के बारे में बता दिया जाए तो उनका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। एक्चुअली दोस्तों, गलती आपकी या मेरी नहीं है, बिकॉज आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं कि ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए। उल्टा हमें सिखाया ये जाता है कि हमें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी के अंदर कमजोरी आती है और हमें एड्स होने का खतरा भी बना रहता है। लेकिन ये सब मिथ है और कम जानकारी के कारण ये सब होता है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो आपकी सोच 100% चेंज हो जाएगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चाहे लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम इसके बेनिफिट्स की। अगर दोस्तों हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें हीरो बनने का मौका मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल हीरो बनने का मौका मिलता है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ आप कोई फिल्मी हीरो नहीं बनोगे, यहाँ आप बनोगे रियल लाइफ हीरो। बिकॉज दोस्तों, अगर आप किसी की जान बचाते हो तो ऑटोमेटिकली आप रियल लाइफ हीरो बन गए ना। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि जो औरत होती है वो ही सिर्फ जन्म दे सकती, लेकिन अगर आप किसी को अपना ब्लड देते हो तो आपकी वजह से उस इंसान का नया जन्म होता है। क्या आपको इस बारे में पता था? दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ब्लड का कोई अल्टरनेटिव है, इसका जवाब आप दे सकते हो? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। बिकॉज दोस्तों, हमारा जो खून है किसी फैक्ट्री के अंदर नहीं बनता। बिकॉज दोस्तों, भगवान जो भी करता है सोच समझ कर ही करता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं करता। बिकॉज हमारा जो ये ब्लड है हमें ही दूसरे लोगों को देना होगा ताकि हम एक दूसरे के काम आ सकें। शायद इसी को इंसानियत कहते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसे लेकर, कमेंट में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं इसके दूसरे बेनिफिट की। अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं अपना ब्लड टेस्ट करवाने की, और कुछ ब्लड टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता और आप इनका रेट सुनकर मना कर देते हो, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हो तो ये आपके टेस्ट बिल्कुल फ्री में हो जाते हैं, विदाउट एनी कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता, ये बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, ब्लड डोनेट कराने से आपका ये बेनिफिट भी है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई दिक्कत है तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है, और अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है फिर तो इससे बढ़िया बात ही क्या है, है ना। दोस्तों, इससे हमारा ब्लड चेकअप भी हो गया, हमने ब्लड देकर पुण्य भी कमा लिया और हम हीरो भी बन गए, है ना, कितने बेनिफिट्स। दोस्तों, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अगर आप अपना ब्लड डोनेट करते हो तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। दोस्तों, अगर हम रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं, यहाँ रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि आप डेली ब्लड डोनेट करते रहें, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको उल्टा खून चढ़वाना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों रेगुलर का मतलब ये है कि कम से कम हर 3 महीने के बाद हमें ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। अगर दोस्तों हम रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहते हैं तो हम कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचे रहते हैं। दोस्तों, ब्लड डोनेट के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर नए ब्लड सेल्स बनते हैं वे हमें पहले से ज़्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए रखते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोगों को पिंपल एक्ने होते ही रहते हैं तो जब ब्लड डोनेट के बाद आपके अंदर नया खून बनता है वो और भी ज़्यादा प्योर खून बनता है बिना किसी गंदगी के। सो दोस्तों, आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगेगी, और ब्लड डोनेट करने के बाद आपके चेहरे पर जो स्माइल होगी वो आप खुद ही फील करना, ब्लड डोनेट करने के बाद कितनी शांति मिलती है। दोस्तों, इसका एक बेनिफिट ये भी है, अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा आयरन बनने लगता है, मतलब आयरन ओवरलोड हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आयरन जो होता है वो हमारी बॉडी में हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज में स्टोर होता है। अगर दोस्तों आयरन ओवरलोड होगा तो ये इन तीनों को डैमेज कर सकता है। अगर दोस्तों आप अपना ब्लड डोनेट करते हो तो ये आयरन की ओवरलोडिंग को लगभग नॉर्मल जैसा ही कर देता है। दोस्तों, हम जो ब्लड डोनेट करते हैं हम लगभग 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं, यानी कि लगभग 370 ml की 1 यूनिट होती है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है हम अपनी 1 यूनिट खून देकर 3 लोगों की जान बचा सकते हैं? क्या इसके बारे में आप लोगों को पता था? अब दोस्तों आप लोगों का सवाल होगा कि कौन कौन इसे डोनेट कर सकता है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हर कोई ब्लड डोनेट नहीं कर सकता।
अगर आपको खांसी जुकाम या फ्लू है, या आपको कोई बीमारी जैसे एड्स, या आपने अभी सर्जरी करवाई है, या हाल ही में कोई टैटू बनवाया है, या आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हो, तो आप ब्लड डोनेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्लड डोनेट करने के लिए आपकी एज 18 से 70 के बीच में होनी चाहिए और आपका वेट 50 या 50 से ऊपर होना चाहिए और आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 11 या 12 ग्राम होना चाहिए और मेनली तो दोस्तों आपको फिट और हेल्दी तो होना ही चाहिए, तभी आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम ब्लड डोनेट करने के बाद फिजिकली एक्टिविटी या वर्कआउट कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। ब्लड डोनेट के 24 घंटे तक आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हो तो आपकी बॉडी पर लोड पड़ेगा, बिकॉज ब्लड डोनेट करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है और आप थोड़ी वीकनेस भी फील करते हो। और दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आपको इन 24 घंटे के अंदर आयरन रिच फूड लेना चाहिए, जैसे सेब, पालक, बीन्स, पीनट बटर, मतलब कि दोस्तों आयरन रिच फूड लेना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी आपकी आयरन की कमी पूरी हो सके। सो दोस्तों इन सब बातों के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि हमें ब्लड डोनेट करना ही चाहिए, हमारे लिए भी और उसके लिए भी, जिससे इसकी जिंदगी बचने वाली। सो दोस्तों आपको ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए ताकि आप एक रियल लाइफ हीरो बन सको। सो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि कौन कौन ब्लड डोनेट करना चाहता है। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मोटिवेट रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।